क्या हाल है भाइयों के, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ प्रोडिंग वेल। एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और वी कैन से इट कैन बी अ लाइफ सेविंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइज, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ डाउन शिफ्ट, और वी कैन से द स्किल ऑफ डाउन शिफ्ट लाइक एक नेसेसरी स्किल, लाइक आर्ट है जो आपको आना ही चाहिए एज ए राइडर, बिकॉज ये लाइफ सेविंग स्किल है। तो गाइस, क्या होता है ना कि जब भी आप ब्रेकिंग अप्लाई करते हो, सडन ब्रेकिंग, तो आपका जो टायर है वो स्किड होते हैं और चांसेस होते हैं कि आप गिर जाओ, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन दैट आगे एक कुत्ता आ रहा है कोई, और आपने एकदम से सडन ब्रेकिंग लगा दी है, तो आपका जो रेयर टायर है वो लॉक सा हो जाएगा और स्किड होगी बाइक। सो जस्ट टू अवॉइड दिस स्किडिंग एक चीज़ होती है, अरे भाई साहब व्हाट इज़ दिस, अलाउड है इनको ओवरटेक करना? वैसे अकॉर्डिंग टू मी सभी आर्मी वाले हैं। मैं डर गया था गाइस एक पल को कि सायरन मेरे लिए कि मैं ओवरटेक कर रहा हूँ इनको। उस सिचुएशन में ये जो डाउन शिफ्ट है ये बहुत ज़्यादा काम आता है, बाइक एकदम कंट्रोल में रहती है इससे, और ब्रेकिंग भी बढ़िया से लग जाती है। तो अभी मैं आपको इसके कुछ सैंपल्स दिखाऊंगा और उसके बाद फिर इसको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा इसका कि इसको अप्लाई करते कैसे। तो पहले इसके कुछ सैंपल्स देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि होता क्या है डाउनशिफ्ट। पहले तो ये देखो, जैसे अभी मैं फोर्थ गियर पे हूँगा और मेरे को ब्रेक अप्लाई करना ही है, और ये सेकंड गियर, ये देखो ये ब्रेकिंग, मैं ब्रेक नहीं दबा रहा हूँ, ब्रेक फिर भी लग रही है और बाइक कंट्रोल में थी। अभी फिर से करते हैं, अभी मैं फोर्थ गियर पे हूँ, मेरे को ब्रेक लगानी है, ये देखो मैं ब्रेक छोड़ दिया मैंने सब कुछ, और ब्रेकिंग लग रही है और बाइक कंट्रोल में है। एक और बार दिखा देते हैं अगर किसी को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये दिस इज कॉल्ड एज डाउन शिफ्टिंग, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, आनी चाहिए आपको, बिकॉज काफ़ी बार इसने मेरे को एक एक्सीडेंट से बचाया, एक फॉल से बचाया, और बहुत आसान भी। अरे बिल्ली जी भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ? तो ये जो बिल्ली वाला इंसिडेंट था भी होने ही वाला था, इस सिचुएशन में डाउनशिफ्ट काम आता है और नॉर्मल ब्रेकिंग में भी काम आता है। यू कांट रिलाई ऑन ब्रेकिंग्स, ये जो हाथ वाली होती है और ये जो फुटरेस्ट वाली होती है। सो डाउनशिफ्ट इज अ स्किल यू शुड लर्न, और मैं सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सबसे सरल भाषा, सबसे आसान भाषा में सिखाएंगे आपको। तो अभी आपने इसके सैम्पल्स देख लिए थे, होता कैसे है, क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज़ होता है, लाइव एग्जाम्पल ही देख लिया था। तो अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि करते कैसे। कुछ नहीं है, आप नॉर्मल अपने स्पीड पे चले होगे, आपने अपना क्लच दबाना है, गियर डाउन करना है, एक्सेलरेट को मैच करना है, फिर गियर डाउन करना है, फिर एक्सेलरेशन को मैच करना है, दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा है, फिर से करके दिखाऊंगा, बिल्कुल स्लोली स्लोली करके दिखाऊंगा, कोई सीन नहीं है ज़्यादा। फोर्थ गियर पे क्यों जाना है, थर्ड गियर पे ही कर लेते हैं। अभी मैं थर्ड गियर पे हूँ, ठीक है, ये डाउनशिफ्ट किया, क्लच धीरे धीरे छोड़ा, एक्सेलरेशन मैच करा, दैट्स इट। जितना गाइस देखने में लग रहा है इतना टफ नहीं है ये, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा, बट फिर जब एक बार मास्टर कर लोगे फिर नहीं लगेगा। और ये क्या हो रहा था, मतलब मैं अपनी बात बोलते बोलते सारा ध्यान मेरा उन्हीं के ऊपर था कि कर क्या रहे ये। अब ये देखो गाइस, ये हमने स्पीड अप करा बाइक को, अब हमको ब्रेक लगाना है, ये डाउनशिफ्ट और एक्सेलरेशन मैच, डाउनशिफ्ट एक्सेलरेशन मैच, दैट्स इट। और बाइक भी कंट्रोल में है विदाउट स्किड या फिर कुछ भी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा गाइस, ये मेरे को भी लगा था, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप भी मास्टर कर लोगे स्किल को,
पर अकॉर्डिंग टू मी आपको ये सीखना ही चाहिए अगर आप बाइकिंग के वो हैं, शौकीन हैं। अगर शौकीन नहीं भी हैं फिर भी सीख लो गाइस, बिकॉज एक जान बच सकती है इससे। जो ABS बाइक्स हैं उनके लिए तो इतना नेसेसरी नहीं है ये वाला स्किल, बट जो विदाउट ABS वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। क्योंकि जो डिस्क ब्रेक है वो फिसलते फिसलते जो मर्जी हो जाए, आपने सडन ब्रेकिंग करी है तो टायर स्किड करेगा और आप गिरोगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। ये देखो मैं फिर से डाउन शिफ्ट ही कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को तो आदत होगी, आपको भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको ये सीख लेना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और अभी मैंने फिर से ब्रेकिंग जो है वो डाउन शिफ्टिंग से ही करी थी, तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि 70% ब्रेकिंग आपको डाउन शिफ्टिंग से करनी है और 30% जो रिमेनिंग है उसको आपने अपने ब्रेकिंग जो बाकी हमारे पास मेथड्स हैं कि ब्रेक दबा के तो उससे करना है। बिकॉज डाउन शिफ्टिंग काफ़ी सेफ बना देता है आपकी राइडिंग को और रिस्क फ्री होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वैसे हेलमेट वगैरह तो पूरा पहनना ही करो, जिंदगी इसी से जिंदगी नहीं बचेगी, छोटी छोटी बातों से बचेगी। सो सेव योर प्रीशियस लाइफ्स, इन्जॉय योर राइडिंग। इसी के साथ अगली वीडियो मिलते हैं गाइस, तब तक ख्याल रखो अपने और अपने घर वालों का।